स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल में, जिसका नाम है टुडेज व्यू। और अभी हम खड़े हैं समृद्धि महामार्ग स्टार्टिंग पॉइंट से 204 किलोमीटर की दूरी पर, और क्या खूबसूरत नज़ारा है देख सकते हैं आप दोस्तों। पहाड़ियों से घिरा हुआ ये इलाका है, काफ़ी खूबसूरत है। अभी हम 204 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं, जो जहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है, और किसी भाई साहब ने अच्छी सी ड्राइंग भी बनाई है, आप देख सकते हैं। तो ये जो ब्रिज है वो शायद यहाँ पे एक कच्चा रास्ता है, उसको जाने के लिए ये ब्रिज बनाया गया है। और जो कंपाउंड वॉल का काम है वो भी दोनों साइड से लगातार चालू है, वो भी कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। तो ये जो रोड है नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे, इसको बनाने की शुरुआत बीजेपी गवर्नमेंट के शासन में हुई थी, जिसके बाद में इसे बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग नाम दिया गया, और इस साल के अंत तक शायद ये ऑपरेशनल हो जाएगा। ये जो देख सकते हैं दोस्तों आप, यहाँ पे बारिश का जो पानी आता है इससे मिट्टी बह ना जाए, और क्योंकि इस पे ख़ास प्रोविज़न किया गया है जो रेन वाटर होता है उसके हार्वेस्टिंग के लिए, तो आप देख सकते हैं वो पानी का निकास होने के लिए यहाँ पर एक नाली, दोनों साइड से आपको ऐसी नाली देखने को मिलेगी, और यहाँ से ये पानी नीचे जा रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया गया है। और इस साइड भी आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी हद तक हो चुका है काम। 204 किलोमीटर दूरी का नज़ारा ये है। अभी खाली इस पर देखा जाए तो लेन मार्किंग का काम बाकी है, चार वैसे तो चार लेन है लेकिन रनिंग के लिए तीन ही लेन है, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक लेन जो है एडिशनल रखा जाएगा इमरजेंसी में किसी वाहन को रोकने के लिए, वैसे तो इसमें रोकना अलाउड नहीं है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आती है तो। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। आपकी एक लाइक से हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है, और ऐसे ही खूबसूरत वीडियो में आपके लिए लगता रहूँगा। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत पहाड़ी, और कुछ किसान जो है खेतों में काम करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, शायद वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब आगे। इसमें अगर भविष्य में लेन ऐड करना रहा तो ज़मीन एक्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लैंड जो है वो पहले से है। और ये देखिए बीच में पानी के लिए नाली बनाई गई है। तो ये हो गया मीडियन यहाँ तक, और यहाँ से चालू होता है फर्स्ट लेन जो कि है यहाँ तक, और यहाँ से सेकंड लेन है यहाँ तक, ये हो गया थर्ड लेन, और ये हो गया रिजर्व लेन। तो दोस्तों अभी कुछ इस तरह की प्रोग्रेस है इसमें। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं स्टार्टिंग पॉइंट से 203 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ की वर्किंग प्रोग्रेस कुछ इस तरह है। पूरा रोड बना हुआ है, देख सकते हैं दूर दूर तक आपकी नज़र जहाँ तक जाती है वहाँ तक आपको ये रोड बना हुआ दिखता है। और यहाँ पर एक पहाड़ी शायद पहले थी जिसको खोद करके ये रास्ता बनाया गया है, और यहाँ पर एक ओवरपास भी आपको दिखाई देता रहेगा जिसका काम भी अंतिम दौर में है। तो क्योंकि इस रोड को आप बीच में से क्रॉस नहीं कर सकते, इसीलिए कई जगहों पर अंडरपास और कई जगहों पर ओवरपास भी दिए गए हैं, क्योंकि ये एक एक्सप्रेसवे है तो इस पर शायद टू व्हीलर भी अलाउड नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन मैं दोस्तों आपको दे रहा हूँ उसे आप एक बार अपनी तरफ से कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है शायद इस पर
टू व्हीलर अलाउड नहीं है, जिसकी इस आपको बता दूं दोस्तों, इस हाईवे की स्पीड डिज़ाइन की गई है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हाईवे अपने आप में कितना अलग होने वाला है, और जो भी इंटरचेंजेस इसमें बनाए जाएंगे वहाँ पर डेवलपमेंट होगा ऐसी उम्मीद है। टोटल 16 पैकेजेस में इसमें डिवाइड किया गया है लोग। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं स्टार्टिंग पॉइंट से 202 किलोमीटर की दूरी पे, और यहाँ का जो नज़ारा है वो कुछ इस तरह है। अभी हम खड़े हैं एक बहुत ही बड़े वायडक्ट पे, ये काफ़ी बड़ा वायडक्ट है दोस्तों, क्या आप देख सकते हैं ट्रक आता हुआ दिख रहा है आपको, काफ़ी बड़ा वायडक्ट है, तकरीबन 300 से 400 मीटर का ये लगता है, और ये नीचे में भी काम कुछ चलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो साइड वॉल होती है उसकी पेंटिंग भी अब चालू हो चुकी है, और अब आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, और ये ट्रक वाले भैया हमको हाथ दिखाते हुए, PNC कंपनी जो यहाँ काम कर रही है, और ये आगे ओवरपास दिखाई दे रहा है, दोनों साइड से काम हो चुका है कंप्लीट 202 किलोमीटर की दूरी पे। यहाँ पर शायद नीचे, यहाँ पर एक पहाड़ी वाला इलाका है, तो शायद उसको लेवल करने के लिए शायद ये वायडक्ट बनाया गया है। तो चलिए दोस्त चलते हैं आगे और देखते हैं आगे जानकारी।